तो दोस्तों 2016 में मैंने एक चैनल स्टार्ट करी थी, जैसे कि मेरा एक चैनल था जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड था। तो गाइस उसमें मैं कुछ मैं बैंजो बैंजो प्ले करके, जैसे कि कीबोर्ड रहेगा, ऑर्गन रहेगा, और कैशियो, वो सब मैं प्ले करके उसमें वीडियो डालता था। तो गाइस उसका मेरा एडसन डिसेबल हो गया, बल्कि मैं आज दो चैनल के बारे में बताऊंगा, जैसे कि दो ही चैनल मेरा था और दो चैनल का एडसन कैसे डिसेबल हुआ। तो गाइस वो एडसन मेरा परमानेंट के लिए डिलीट हो गया, या तो कुछ देर के लिए एडसन मेरा डिसेबल हो गया, वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड अब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको भी कुछ काम लगेगा। तो गाइस पहली वाली मेरी चैनल जो थी वो म्यूजिक से रिलेटेड, जैसे कि मैं बैंजो और कैशियो प्ले करता था, जैसे कि ऑर्गन और वो सब मैं प्ले करता था। तो मैं उसके पर अभी मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि इसका एडसन कैसे डिसेबल हुआ। तो गाइस उसमें मेरा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के हिसाब से मेरा, जैसे कि खुद की वीडियो खुद देखने से एडसन डिसेबल हो जाता है, तो उसके ऊपर ऐसा मेरा हुआ कि खुद की वीडियो खुद देख रहा था, उसके लिए मेरा एडसन डिसेबल हो गया। तो गाइस उसमें इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से मेरा एडसन डिसेबल हो गया, जैसे कि परमानेंट मेरा डिसेबल नहीं हुआ था। और उसने बोला था कि आप 48 आवर्स में अपन वापस रीअप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अपील कर सकते हो आप एडसन को। तो गाइस वो एडसन को किस लिए मैं वापस चालू नहीं करना चाहता, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अभी मैं बात करता हूँ कि दूसरी चैनल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दूसरा मैं अभी मेरे चैनल का एडसन भी डिसेबल हो गया और मेरा चैनल भी बंद हो गया। तो गाइस चैनल को मैंने डिलीट कर दिया था मेरे हाथ से ही, क्योंकि चैनल में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, उसलिए चैनल को मैंने डिलीट कर दिया, जैसे कि दूसरा चैनल का बात कर रहा हूँ। तो गाइस वो दोनों चैनल मैंने स्टार्ट की थी 2016 में ही। तो गाइस वो चैनल 2016 में स्टार्ट की थी, दोनों का एडसन मैंने एक ही साथ बनाया था, जैसे कि दोनों का एडसन में एक ही नाम डाला था और एक ही एड्रेस डाला था। तो क्या मालूम एक चैनल में इनवैलिड क्लिक के हिसाब से दोनों चैनल बंद हो गए, वो क्या पता मेरे को। जैसे कि मैं खुद की वीडियो तो खुद देखता ही था और वो चैनल में भी देखता था, दोनों चैनल में, मगर एक चैनल के हिसाब से दोनों चैनल बंद हो गई। तो गाइस वो सब मेरे को कुछ पता नहीं कि किस वजह से मेरा एडसन डिसेबल हो गया है, कि उस चैनल की वजह से मेरा डिसेबल हो गया कि इस चैनल की वजह से। तो गाइस दोनों मेल मेरे पास एक ही दिन में आया था, जैसे कि मेल मेरे को आ गया और मैंने मेल पढ़ा तो मेरे को इस तरीके से देखने को मिला आपका एडसन डिसेबल कर दिया है और उसको आप वापस चालू कर सकते हो, ऐसे मेरे को कुछ बताया। तो गाइस मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं था, जैसे कि मैं क्यों करना नहीं चाहता तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि वो एडसन में पहला मेरे को कुछ पता नहीं था 2016 में कि एक ही नाम से दो एडसन नहीं बनाया जाता है। तो गाइस मैंने एक ही नाम से दो एडसन बना दिया था, तो उसी वजह से मेरा अभी चैनल का एडसन था वो डिसेबल हो गया। तो गाइस आप सबको पता ही होगा कि पहले तो डायरेक्ट एडसन का ऑप्शन आ जाता था, जैसे कि एड्रेस बेड्रेस सब फिल करने का तुरंत आ जाता था, चैनल स्टार्ट करता था तभी तुरंत आ जाता था, अभी नहीं आता ऐसा। तो गाइस उसमें जैसे कि मैंने कुछ अर्निंग नहीं की थी वो एडसन में और मेरा एडसन वो डिसेबल हो गया। तो गाइस जैसे कि मैंने जो पहले चैनल के बारे में बताया, जैसे कि मेरे 16,000 वाली चैनल बंद हो गई, उसका भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा। जैसे कि मेरी 16,000 वाली चैनल भी व्हाट्सअप स्टेटस की थी, वो चैनल मेरी डिसेबल, जैसे कि चैनल ही बंद हो गई डायरेक्ट। थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप हमारी वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।